मर्द जिस औरत से मोहब्बत करता है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो औरत हर रोज पहले से भी खूबसूरत नजर आए। औरत की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी तारीफ है और मर्द कुछ दिन तारीफें करके फिर आसानी से इजहार कर लेता है। वो मर्द मोहब्बत नहीं कर सकता जो हर लड़की पर मरने का शौकीन हो। हमेशा मैसर होने से इंसान की कदर कम हो जाती है और किसी को खोने के बाद ही उसकी असर कीमत का पता चलता है। कभी कभी बेहस होना पड़ता है, दिल पर पत्थर न रखो तो लोग पांव रख जाते हैं और इतनी बेदर्दी से के ना उन्हें खुदा याद रहता है और ना अपना इंसान होना। हम कच्ची उम्रों में वो समझदार लोग हैं जिन्होंने ख्वाब देखने की उम्र में अपने ख्वाबों को टूटते देखा और फिर अपने वीरान आँखों पर कोई रंगीन ख्वाब सजाने से हमेशा खुद को रोकने की कोशिश में वक़्त से पहले खुद को बूढ़ा होते देखा है। इंसान के आधी मौत तो उसी दिन हो जाती है जिस दिन उसका मनपसंद शख्स उसे छोड़ जाता है। मैंने इतनी मोहब्बतें अधूरी देखी हैं कि मुझे मोहब्बत का मतलब ही अधूरा लगता है। शोहर ग्यारह औरतों की तरफ बीवी की एक गति की वजह से जाता है। जब मर्द को अपनी बीवी से प्यार की ज़रूरत हो और उसकी ये ज़रूरत पूरी ना की जाए तो उस प्यार की तलाश दूसरी औरतों में शुरू कर देता है। सबर से बढ़कर मोहब्बत के लिए कामन वजीफा और कोई नहीं। तुम्हारे कहीं और मसरूफ़ होने से सबर तो आ जाता है पर नींद नहीं आती। मोहब्बत तो दो दिलों के दरमियान होती है और जब एक मुकर जाए ना तो दूसरा यादों के वेंटिलेटर पर लग जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक मुकम्मल टूट जाता है और दूसरे को फर्क तक नहीं पड़ता। खाक हो जाता है इंसान खाक से बने इंसान के पीछे। मैं वाकिफ हूँ इस चार दिन की मोहब्बत से। मैं भी रह चुका हूँ अजीज किसी का। कितना मजबूर था वो शख्स के जिसने मुझसे सिर्फ मजबूरी में कुछ रोज़ मोहब्बत की थी। निकाह से ज़्यादा खूबसूरत और कोई रिश्ता नहीं क्योंकि इसमें गवाहों से ज़्यादा अल्लाह की मर्जी शामिल होती है। अंदाज़े गुफ्तगू बदल लेना बदला लेने से बेहतर है। 22 साल की उम्र में डिप्रेशन की गोलियां खाने की अजियत को तुम नहीं समझ सकते लेकिन दुआ तो कर सकते हो। जब औरत के दिल में किसी गैर मर्द के साथ सोने की ख्वाहिश जन्म लेती है तो वो कभी अपनी इज्जत की नीलामी नहीं चाहती। वो चाहती है कि वो शख्स उसके निकाह में हो।